अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये व्लॉग है मेरा, होम टूर भी है और घर की साफ सफाई भी है, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे लोग ने कमेंट किए थे कि अब वापस से होम टूर करवाओ, क्योंकि जब मैंने होम टूर करवाई थी माशाल्लाह अच्छा ही करवाई थी, बट मैं सारा ऑनलाइन सामान मंगाई थी घर डेकोरेट का, तो बहुत चीज़ नहीं आ पाया था उस टाइम पर, नहीं मिला था मुझे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था वो मैंने घर डेकोरेट करके मैंने होम टूर बना ली थी। बट अभी फाइनली पूरा घर मेरा कंप्लीट है, ए टू जेड हर सामान ऑनलाइन से जो मंगाई थी सारा आ गया, सारा अपने अपने जगह पे एकदम सेट है। और बहुत जने मुझे कमेंट किए कि प्लीज़ एक बार और होम टूर करवाओ और प्रॉपर करवाओ सारा, तो इसीलिए मैंने सोची कि ईद मिलादुन्नबी आ रहा है, घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और उसी बहाने मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा, होम टूर भी हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते, क्योंकि सिर्फ दो दिन बचा ईद मिलादुन्नबी को, अहिल का बर्थडे था इसीलिए हम लोग उसमें बहुत बिजी थे तो टाइम नहीं मिल पाया। बट अभी दो दिन है मेरे पास, तो मैं आज और कल मैं पूरी घर की साफ सफाई करके अकेली करने वाली हूँ और मेरा ब्लॉग शूट करने आई है जारा को मैं लेके आई हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं जाला से, घर का पहले जाला निकालते, क्योंकि आप लोगों को तो पता है तबीयत इतना ख़राब था तो मैं बहुत टाइम से घर की अच्छे से साफ सफाई नहीं कर पाई। तो स्टार्ट करते हैं पहले जाला से, तो बिना स्किप के पूरा ब्लॉग देखना और मेरा होम टूर कैसे था वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं घर की साफ सफाई स्टार्ट कर रही हूँ पहले कोटमाले से, ताकि कोटमाले का जाला निकाल के नीचे फेंकूँ फिर नीचे की साफ सफाई। तो मैं चली ऊपर, पहले ऊपर का साफ सफाई हो जाए। यार इतना हालत खराब हो गया, गर्म हो रहा है बहुत। बाप रे बहुत धुनी है ये बारिश वाला, बारिश की वजह से वो जलता है ना, इसका लकड़ी का टूट टूट के अपने आप वो लकड़ी का निकला है सारा। जावेद ने ये वाला पॉट तोड़ डाले, कल ही तोड़ दिए, बहुत चिल्लाई मैंने, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद है घर का चीज़ कोई नुकसान करे। बोले ला के दे दूंगा तेरे को नया, बोले नया ला के दे दूंगा, नहीं तो उसको जोड़ के दे दूंगा, कहाँ से जोड़ने वाला है, ये इतना प्यारा पॉट था मेरा। गैस तो मेरा साफ ही है, गैस तो मेरा साफ ही, क्योंकि रोज मैं गैस क्लीन करती हूँ खाना बनाने के बाद, बट फिर भी आज एकदम अच्छे से घसाई हो रही है। करिए ये ना मेरे घर में ना बहुत मूंगी हो रहे थे, तो इसके लिए मैंने लक्ष्मण रेखा लगा के रखी थी, तो वो अभी साफ करी क्योंकि अभी मूंगी नहीं आ रही। नहीं गाइस, फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, पूरी घर की साफ सफाई हो चुकी है, और मैंने सोची थी आज और कल मिला के करूँगी, बट मैं फिर से एक्साइटेड हो गई हूँ कि मतलब सोचती हूँ ना कि भाई ये चीज़ करना है तो एकदम घोड़े पे रहती हूँ कि हाँ भाई अभी करना है, इसीलिए मैं फटाफट से पूरा काम आज, जो दो दिन का काम था एक दिन में ख़त्म करके, आज ही मैं आपको अपना होम टूर करवाने वाली हूँ। तो अभी टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं, मैं आपको अपना
घर दिखाती हूँ। गाइस ये है मेरा मेन डोर और वहाँ पे अल्लाह की फोटो लगी है और ये हम लोग का बैल है जो कि खिले से लटक के नीचे आ गया है, उसे वापस से सेट करना है। ये है हमारा स्विच बोर्ड और यहाँ पे है की वगैरह लगाने के लिए, मैंने लगाई हूँ यहाँ पे। और उसके बाद है यहाँ पे क्या है, वॉच है और यहाँ पे है मेरा टीवी, जस्ट उसके नीचे दो पॉट है और ये मेरा चप्पल का स्टैंड है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत ही घटिया है ये, बहुत बोले तो बहुत ही घटिया है। इसके ऊपर का तो वो एक ही दिन में फट गया, तो ये है कोई नहीं अभी काम आ रहा है जाने दो। फिर ये है मेरा कबर्ट जो कि पिंक था, मैंने इसे ब्लू कर दी। इसके ऊपर रखा है हेलमेट और जानमाज और उसके ऊपर है एसी और उसके ऊपर एक मेन नहीं था, किसी काम का ही नहीं था, वो विंडो था तो उसे मैंने पैक कर ली। और ये है कालीम ही बोलते हैं ना, कालीम, हाँ, कोई मेहमान आया तो बिछाने के लिए। ये है मेरा श्रृंगारदान और यहाँ पे भी है एक विंडो, सही बोल रही हूँ ना फिर ये मैंने पहले व्लॉग में ये नहीं था, ये मैंने अभी रिसेंटली करवाई हूँ और ये सारा ऑनलाइन मंगाई हूँ। ये क्या भाग रहा है, ऑनलाइन मंगाई हूँ और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। ये है मेरा सोफा, ये मेरा सोफा और यहाँ कोने पे छोटा सा स्पेस है, यहाँ पे मैं मेकअप वैनिटी रखी हूँ अपना। इसके पीछे है चटाई, कोई मेहमान आया तो मेहमान नवाजी के लिए। यहाँ पे मेरा फ्रिज के ऊपर है मिरर, छी कितना गंदा है मिरर। फिर यहाँ पे है मेरा ओवन के ऊपर थोड़ा सा सजावट, यहाँ पे खाने की चीज़ें, यहाँ पे मेरे मेडिसिन है और बाहर से खाना आ चुका है हमारा। यहाँ है वॉशिंग मशीन और ये है मेरा किचन, ये है हमारा किचन। यार मैंने प्योरेट नहीं लगाई, बाकी सारा चीज लगाई हूँ, बट क्या लगा है हाँ तो वहाँ पे है पानी की टंकी और सोची थी इसे भी मैं पैक करूँ बट नहीं हो पाया तो मैं इसे छोड़ ही दिया इसी। और यहाँ है मसाले का डब्बा, ये है मेरा किचन, ये है हमारा किचन रूम छोटू सा, ये हमारा वॉशरूम, ये हमारा वॉशरूम, इसे मैं ढक के रखती हूँ, स्विच बोर्ड। और ये मेरा, ये सब तो आप लोग पहले व्लॉग में भी देख ही चुके होंगे और जो नहीं देखा उसके लिए मैं वापस से ये बना रही हूँ। और ये देखो, इसे कली जावेद ने फोड़ दी ये पॉट को और बोले कि मैं इसे वापस से जोड़ के दूंगा तो ये है, यहाँ पे भी है। और ये है मेरा लोबान का दिया, इसमें मैं लोबान जलाती हूँ, कभी शॉर्ट्स में आप लोग देख लेना, जला के दिखा दूंगी। नीचे है मेरा, ये मेरे घर में ना इतना स्टोरेज है ना कि कितना भी रहे, यहाँ पे तीन कबट है प्लस इसके अंदर स्टोरेज है, प्लस ऊपर कबाड़ में स्टोरेज है, फिर भी मुझे कम पड़ा तो मैंने फिर ये मंगवा ली। और इसमें ऐसी अगरबत्ती वाची से सभी सारा इसमें सामान है। और ये है मेरा छोटू सा डाइनिंग टेबल जो कि अभी मैं और जावेद दिए दो जन के लिए, बहुत हो गया ये। और फ्रूट तो अभी डॉक्टर ने मुझे खाने बोले, क्या बचाए, अब ऊपर का एरिया बचा है। और ये है मेरा डिस्को लाइट और ये लाइट मैंने कुछ ही टाइम पहले ख़राब कर दी थी, जला दी हूँ, तो ये अभी तक मेरा भाई आया नहीं लगाने, वो आने वाला है। और ये है मेरा, अभी मैं पूरा एक साथ दिखाती हूँ। डोर के साइड, मेन डोर की तरफ ये है कबर्ड, ये सब इस बाजू है सोफा, कैसे सोए देखो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये साइड है किचन, ये साइड है वॉशरूम और ये
थोड़ा सा जगह था। अरे मेरे ये लाइट तो चालू करो, ऊपर का वाला लाइट चालू करो ना, जल्दी करो। छोटू सा लाइट, और ये मैंने आज ही लगाई हूँ ताकि अंधेरा रहे तो ये सारा सजावट दिखे, इसीलिए मैंने ये लगाई हूँ छोटू सा। और ये है मेरा स्टोरेज और डाइनिंग टेबल। उसके बाद ये यहाँ है टीवी, और यहाँ पे है अल्लाह का एक फ्रेम। अब मैं चली ऊपर, तो ये कुछ मेरा घर ऐसा है, छोटू सा है बट प्यारा है ना। किस किस को मेरा घर प्यारा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर ये मेरा झूमर करेंगे। ये थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, पता नहीं क्यों आया है, कोई नहीं। यहाँ पे स्विच बोर्ड है, यहाँ पे है मिरर, जावेद के नाम का मिरर। मेरी हालत देखो कैसी दिख रही है। फिर यहाँ पे है प्यारा सा तीन पॉट, मेरी रिंग लाइट, मेरा मिरर। उसके बाजू में ये प्यारा सा कपल वाला क्या होगा, ये जो भी होगा। उसके नीचे ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसका स्टैंड। और ये है, अभी तक मैं इसमें कुछ सजाई नहीं हूँ, क्या सजाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो जब आ जाएगा तो सजा दूँगी। यहाँ पे है विंडो, यहाँ पे है झूमर, और वहाँ पे तीन प्यारा सा फ्रेम। ये भी तीन का सेट था बट दो मेरे से ख़राब हो गए तो मैंने इसे फेंक दी, एक बचा था को मैंने लगा दी, वेस्ट नहीं की। तो ये है मेरा पलंग, ये है मेरा कूलर, जब ए सी नहीं था, ये कूलर ने बहुत साथ दिया मेरी। ऐसे दिख रहे हैं, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा वादा। आउच ओ नो, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं आज। देखो जावेद को, तो चलते हैं नीचे। गाइज़ ये था मेरा होम टूर, और आप लोग के बोलने पे मैंने वापस से होम टूर बनवाई। और अभी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, पहले इतनी चीज़ें, पहले डाइनिंग टेबल नहीं था, स्टोरेज बॉक्स नहीं था, फिर ये वाला सारा नहीं था, और ऊपर झूमर नहीं था, फिर वो लकड़े का फ्रेम नहीं था, फिर वो जो मैंने पीछे फ्लावर्स लगाई वो नहीं था। तो बहुत मतलब ज़्यादातर चीज़ मैंने अभी अभी ली, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर से एक होम टूर करवा दूं। और किस किस को मेरा स्वीट होम पसंद आया, छोटू सा होम पसंद आया, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा रहेगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, तो इंशाल्लाह वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो अब मैं चली खाना खाने, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।